हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं, जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं कि कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिकर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आ पाए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और ख़ास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने अश्योर किया कि आपका जो VGF के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा, और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है, तो उस नाते से अपना ये जो उनका एक प्रकार रहता है संपर्क करने का वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब, हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने उसमें किया है, और उसके अंदर अनुभव बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है, कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे करना है। साइड में जो आते जाते इनको ट्रेवल करना होता है, वो विंड की दिशा में ही वो करते हैं। उनको लैंडिंग और टेक ऑफ इनकी मास्टरी होती है, ठीक जगह पर लैंडिंग करते हैं, जहाँ खाली जगह उसके ऊपर लैंड कर लिया, और बहुत नीचे भी ले आते हैं जब पेड़ों के साथ भी। अच्छा, बहुत से जानवर, जंगल जानवर, जंगली जानवर वो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छा एक दृश्य मिला। घरों के ऊपर लोग छतों पर चढ़ गए हैं, वेव कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अनुभव था, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से एक कदम आज हमने बढ़ाया है, और निश्चित रूप से इसका लाभ हरियाणा का कई दृष्टि से है। बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलता है इससे, कुछ जो हाई एंड टूरिस्ट हैं उनको इसमें चढ़ने के बाद आनंद भी मिलता है जी। और अब ये लगातार 2 साल तक अब चलेगी। हमने इसमें 72 लाख रुपया VGF 2 साल के लिए सैंक्शन किया।